जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गांवों की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का माँ एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर फेंकने के लिए बेचैन रहते हैं? सूरज बेटा, घर से सारी मकड़ियां और छिपकलियां निकाल कर घर से बाहर कर डालो, ये सब औरतें इनसे डरती हैं, और आने वाली बहू भी एक औरत ही है। जी पापा, हालात तो कुछ ऐसे हो गए थे कि शादी टूट जाने वाली थी। पर टूटी तो नहीं ना पंडित जी, अगर टूट जाती तो क्या करते? कुंडली के अनुसार इन दोनों का जीवन 7 जन्मों तक साथ निभाने का है। भैया, पहले सास ससुर अच्छी भौएं ढूंढते थे, और आजकल की भौएं अच्छे सास ससुर ढूंढने लगी। भैया, अब जमाना बदल चुका है, आजकल की भौएं सास ससुर की डांट डपट नहीं सुनती, अगर उन्हें कुछ बुरा लग जाए तो वो घर के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है, या फिर सब कुछ छोड़कर चली जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ भैया कि आप घर की बहू को लेकर आ रहे हो तो उसका मान सम्मान करना, ज्यादती मत करना। घर परिवार ऐसे नहीं चलता छोटे, घर परिवार में सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो सब के सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। घर में एक ही आदमी को फैसला लेना चाहिए और उस फैसले को सबको मानना चाहिए। दुनिया में वही परिवार सुखी रहता है जो संयुक्त परिवार रहता है, क्योंकि संयुक्त परिवार बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। हाथ निवाला तभी उठा पाते हैं जब पांचों उंगलियां साथ देती हैं। गांव में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, बच्चे माँ बाप से अलग हो रहे हैं, सबकी सोच अलग हो गई है, घर आंगन के बीच में दीवार हो गई है, सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कभी सोचा तुमने? क्योंकि आजकल सबकी सोच एक जैसी नहीं रही। बहुओं को लगता है कि सास ससुर उसके ऊपर बोझ हैं, और घर के बच्चों को लगता है कि माँ बाप भी उनके ऊपर बोझ हैं। परिवार में एक दूसरे से प्यार रहा ही नहीं, एक घर के अंदर रहते हुए भी कई कई चूल्हे हो गए हैं, बच्चों को बूढ़ों की उंगलियों का स्पर्श नहीं मिलता, और बच्चे जो हैं बूढ़ों का सहारा नहीं बनते, मतलब बुढ़ापे में उनकी लाठी नहीं बनते। मैं अपने घर में 4 चूल्हों का धुआं उठते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि घर के सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें, घर की परंपराओं का पालन करें, घर के सब लोगों के लिए एक ही नियम हो और सब उसका पालन करें। जो नियम तोड़ेगा मतलब वो घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं ये घर टूटते हुए नहीं देख सकता। भैया, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे घर में इन सब नियमों का पालन हो, और मुझे पूरा विश्वास है भैया कि हमारे घर में भी सब ऐसा ही होगा, हम पूरा परिवार एक साथ ही रहेंगे। भैया, बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गया, वो पंप ठीक हो गया है, और एक दो फसलों का मेहमान है वो पंप, हमें नया पंप खरीदना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, कुसुम ऊर्जा योजना के बारे में पता करो, ये पंप तो बहुत पुराना हो गया है, बहुत डीजल पीता है, और डीजल का भाव पता है आजकल क्या है? भैया, मैंने कुसुम योजना पंप के बारे में पता किया था, सरकार 60% वित्तीय सहायता कर रही है और 30% बैंक लोन दे रहा है,
हमें सिर्फ 10% लगाना। छोटे खेती की लागत इन्हीं तरीकों से कम हो सकती है। सोलर पंप जो होता है ना, वो ही इस चीज का विकल्प रह गया अभी। तो भैया मैं कल ही जाकर आवेदन कर देता हूँ। ठीक है। और हाँ, वो सॉयल हेल्थ कार्ड का क्या हुआ? हमारे खेतों की मिट्टी की जांच तो हो चुकी है ना, हमें पता तो चले खेत हमें क्या दे सकते हैं और हम खेत के लिए क्या कर सकते हैं। भैया मिट्टी की जांच हो गई है, 2-3 दिन में कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तुम जाके सोलर पंप के लिए आवेदन कर दो। ठीक है भैया। कल्याणी, 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 हाँ। कल्याणी कहाँ है? वो गांव की उन औरतों से मिलने गई है जिनके साथ वो काम करती है। बोल रही थी कि माँ, मैं उन लोगों को बता के आती हूँ कि अब मैं उनके पास नहीं आ पाऊंगी। हाँ, ये अच्छा किया उसने। लेकिन एक बात बताऊं पल्लवी, ये ना दामू की बेवजह की जिद है। अगर हमारी कल्याणी गांव में ही, गांव के ही औरतों के साथ कहीं आती है जाती है तो क्या गलत करती है वो? अब कुछ मत कहिए, अब उनकी बहू है, जैसे वो चाहे वैसे रखें। वैसे मैंने भी कल्याणी को समझा दिया है कि बेटा ससुराल में जो कुछ भी कहें वो लोग, तुम मानना। लो कल्याणी भी आ गई, हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे आज। हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। वो संस्था की औरतों ने खिला दिया था। वो लोग आज बहुत उदास थी ना, क्योंकि आज के बाद तो मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं पल्लवी, सब ठीक हो जाएगा। अशोक बाबू, विज्ञापन प्रमोशन ही वो रास्ता है जो हमारे उत्पादों को लोगों के घर तक पहुंचाता है। हमारे उत्पाद कोई करोड़ों की फैक्ट्री में नहीं बन रहे हैं, ये एक छोटे से गांव में बने छोटे से घर में गांव की औरतें बना रही हैं, तैयार कर रही हैं उसको, जिसकी पैकिंग भी कोई खास अच्छी नहीं है। हाँ, खास बात यह है कि इसका पारंपरिक स्वाद जो 20 से 25 सालों पहले खो चुका था और अब वो वापस आ चुका है। और तुमसे मैं कोई मदद नहीं मांग रहा हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे उत्पाद आपके अखबार में जिंदा रहे और उसके लिए आप कीमत लीजिए। और इसके लिए देश के कई अखबारों के साथ मैं अनुबंध कर रहा हूं और धीरे धीरे रेडियो और टेलीविजन पे विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे। मैं किसी चीज को बड़ा करने के लिए पूरी उम्र लगाने के खिलाफ हूं। सिर्फ 2-4 सालों में ही गांव के इस स्वाद को बड़ी सी फैक्ट्री में पैकिंग करने और दूसरे देशों के किचन तक पहुंचाने का सपना देख रहा हूं। महेंद्र बाबू, मेरे अखबार से जो भी आप मदद चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूं। आपके विज्ञापन को मेरे अखबार की जरूरत है और अखबार को विज्ञापन की। अशोक जी, अब ये बिजनेस हो गया है, आपको इससे ऊपर उठकर मदद करनी होगी। मैं समझ गया, आपके उत्पाद विज्ञापनों में ही नहीं बल्कि खबरों में भी लिखा करेंगे। और वैसे भी मैं कौन सा आपसे दुष्प्रचार करा रहा हूं? वो तो आप करवा चुके हैं। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। यकीन मानिए, उस उत्पाद को लेकर मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, बस मैं इतना चाहता था उत्पादों के वितरण की जिम्मेदारी मुझे मिल जाए। मैं बहुत ही देशभक्त हूँ, मुझे उत्पाद पसंद थे, मैं बस इतना चाहता था हमारे गांव की महिलाओं के स्वाद को लोकल से ग्लोबल तक ले जाऊं। और अब मैं सिर्फ वितरक नहीं हूं, 50% का भागीदार बन गया हूं। ये कैसे हुआ? उसके लिए मुझे आपके अखबार के दुष्प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी, बस हो गया। अच्छा तो मैं चलता हूं। लोगों को घरों तक खबर पहुंचाने के लिए रात भर खबरों को कागज पर उतारना होता है। हाँ हाँ, बस ये भी खबर चलती रहनी चाहिए कि गांव की औरतों ने कुछ खाने पीने का उत्पादन किया है और ये आपके स्वाद और स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। जरूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच अशोक। वेलकम।
मंजू, एक तरफ तो सब ठीक हो रहा है पर दूसरी तरफ कुछ गलत हो रहा है यार। क्यों सर, क्या हो गया? मुझे पता लगा है कि कल्याणी अपने ससुराल वापस जा रही है। पर इसमें गलत क्या है, ये तो अच्छी बात है ना। वो अपने ससुराल जा रही है, अपना घर तोड़ने के बजाय जोड़ रही है वो। अरे वो उसके अपने लिए ठीक है ना, बट हमारे धंधे के लिए गलत है। वो कैसे? किसान महिला संस्था कल्याणी ने बनाई थी, वहाँ इतने अच्छे उत्पाद कल्याणी के देखरेख में बनते थे। अगर वो वहाँ नहीं रहेगी तो वहाँ उत्पादों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। हमें इस पर ध्यान देना होगा। लोगों के मुंह पर जो एक बार स्वाद लग चुका है ना, वो लोग ना कम स्वीकार करेंगे उस स्वाद को, ना ज्यादा स्वीकार करेंगे। सारे उत्पाद अच्छे मसालों की वजह से पसंद किए जा रहे हैं। और मुझे यही लगता है कि मसालों के चुनाव में कल्याणी का कोई बड़ा योगदान रहा होगा। एक काम करते हैं, हम दोनों वहाँ चलते हैं, वहाँ की हर एक चीज को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, चलो। क्या तुम ससुर और दादा नहीं बनना चाहते? नहीं भैया, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि कोई मुझे दादा बोले। तो क्या तुम 65 साल की उम्र में दादा बनोगे? तो दादा बनने की वही उम्र होती है। अब लोग आजकल अपने बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं और जवानी में ही दादा परदादा बन जाते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सूरज की शादी तभी कराऊंगा जब वो 25 साल का हो जाएगा। दामन मिट्टी का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन मिट्टी का। कच्चा ही खा रहे हो? तुम्हें मालूम है धनिया की पत्तियां पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ठीक है, जो भी हो, कल बहू आ रही है, अपने देवेश का ग्रस्त जीवन फिर से शुरू हो जाएगा। और वैसे भी ये पूरा साल बैसाख का शुभ महीना है, अपने सूरज के लिए भी कोई अच्छी सुंदर लड़की देख के उसका ब्याह करवा दो। तुम्हें सूरज की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे सूरज की शादी की जल्दी नहीं है। तो फिर मुझे सास और पोता पोती की दादी बनने की जल्दी है। क्या तुम ससुर और दादा नहीं बनना चाहते? नहीं भैया, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि कोई मुझे दादा बोले। तो क्या तुम 65 साल की उम्र में दादा बनोगे? तो दादा बनने की वही उम्र होती है। अब लोग आजकल अपने बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं और जवानी में ही दादा परदादा बन जाते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सूरज की शादी तभी कराऊंगा जब वो 25 साल का हो जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बाबूजी, देखो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं और अब मैं बच्चों की तरह पहिया पहिया नहीं चलता। रही 25 साल की उम्र में शादी करने की बात, तो 22 का तो मैं हो ही चुका हूं और 3 साल इंतजार कर लूंगा। बेटा, तू 22 का नहीं 23 का हो गया है। ये तो और अच्छी बात है। बाबूजी, अब 3 साल नहीं 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाय मेरा बेटा। बाबूजी, अच्छी लड़की से कुंडली मैच कराने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आज से ही कुंडली देखना स्टार्ट कर देते हैं, तभी 25 साल की उम्र में जाके मेरे सर पे सहरा बंधेगा। राध्या, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया? अपने माँ बाप के सामने अपनी शादी की बात कर रहे हैं। अरे तो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं तो क्या पड़ोसियों से जाकर कहेंगे क्या? तो बड़ों का लिहाज भी तो कोई चीज होती है ना। अरे, अपने मन की बात कह देने से क्या इंसान लिहाज खो देता है? वैसे भी हर बच्चे को अपने दिल की बात अपने माँ बाप को बतानी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके माँ बाप को दुख हो। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है।
तो तुम्हें वो सब कुछ बताता है जो बाहर जाकर करता है? हाँ, मैंने पाला है उसे। तुम तो शहर जाकर बैठ गए थे। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी माँ को दुख हो। मुझे उस पे पूरा भरोसा है। जिस बात से मुझे दुख हो वो करेगा। अरे ऐसा क्या किया है उसने? अभी देखा ना, तुम्हारे सामने शादी की बात किस तरह से कर रहा था। शुक्र है हमारे बेटे ने हमें बताया तो सही। तुमने तो शहर में मुझसे शादी कर ली थी और अपने माता पिता को बताया तक नहीं था। अब छोड़ो ये सब बातें। देखो रोटी जलने की महक आ रही है। अच्छा, मैंने तो अभी तक आटा गूंदा ही नहीं और तुम्हें रोटी जलने की महक आ रही है। तो जाकर गूंदो आटा, बनाओ रोटी। दीदी, मैंने तुम्हारा देवेश्वर के साथ प्यार देखा, शादी देखी और अब आवन जावन वाली विदाई भी देखूंगी। मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीने के लिए मजबूर हो? जहां बहू बनकर जा रही हो वहां वैसे ही जीना है जैसे वो लोग चाहेंगे। मुझे नहीं पता कि शादी ब्याह घर परिवार की क्या डेफिनेशन है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। दीदी, हमारी जिंदगी पर पहरा बिठाने का हक ना उनका है जिन्होंने हमें जन्म दिया है और ना ही उनका जिनके साथ हमें जीना है। महारानी, हाँ अब्बास का, जा बेटा जा कमरे में सो जा। सब कुछ तू ही जानती है। क्या हुआ माँ? 24 घंटे तुरंग बहादुर बनकर कल्याणी को क्या कोसते और समझाते रहती है। अभी तो बच्ची है, दादी माँ क्यों बन रही है? माँ हुआ क्या है? क्या किया है मैंने? क्यों इतना नाराज हो रही हो? हर वक्त तू उसको समझाते रहती है कि वो ससुराल जाकर गलती कर रही है। माँ, जहाँ जाकर वो अपनी जिंदगी अपने सपने अपने तरीके से नहीं जी सकती वहाँ जाना ठीक है क्या? हाँ ठीक है। ये हमारा कल्चर, ये हमारा संस्कार और ये ही हमारे रहन सहन का तरीका है। दूसरी दुनिया की कल्चर, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की आज़ादी जो तू पसंद करती है वो दूसरी दुनिया का है, हमारा नहीं है। वो हमारे रहन सहन को अच्छा नहीं मानते और ना हम उनके रहन सहन को अच्छा मानते हैं। ना वो गलत है ना हम गलत हैं। तो गलत कौन है माँ? वो जो अपने सपने अपने रहन सहन को गलत मानते हैं और दूसरे को सही। माँ, दीदी अपने ससुराल गई, ससुराल ने उसके सामने शर्त रखी, दीदी नहीं मानी तो उसको वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। इसके बावजूद माँ उनकी शर्त नहीं बदली, पर दीदी ने उनकी शर्त जब मानी तब उसको वहाँ वापस बुलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ माँ, आप बता सकते हो? दीदी ने जिससे प्यार किया, जिससे शादी करी, उसके साथ वो उसके घर में उसके शर्त पर रह सकती है? सभी ऐसे ही रहते हैं, इस देश की यही रीति रिवाज है। मतलब कल्याणी अपने ससुराल की शर्त मानकर जा रही है तो वो सही कर रही है। इस धरती के हर हिस्से के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं। अगर कोई हिस्सा अमीर है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो हिस्सा सही है और बाकी सब गलत है। कल्याणी जो भी कर रही है ना वो सही कर रही है और उसके ससुराल जाने पर तू बाधा मत डाल। जब से तू गांव आई है गांव को कोसते रह रही है। जब शहर वाले गांव के रीति रिवाज से नहीं जीते तो गांव वाले क्यों शहर के रीति रिवाज से जिएंगे? चल जा अपने कमरे में। तुझे पता है जब कल्याणी तेरे घर से वापस आ गई तो मुझे लगा कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तू भूल जाएगा मुझे। रामू, तेरी दोस्ती को भूलना मेरे बस की बात नहीं है। जब कल्याणी मेरा घर छोड़कर तेरे घर चली गई उसके बाद भी मेरा मन करता था कि मैं तुझसे आकर मिलूं। दामन में टीका। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का। रामू, जमाना कितना बदल गया है ना। बचपन में हम कभी भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते थे, फिर भी स्वस्थ रहते थे। हाँ, वो इसीलिए रामू, क्योंकि हम गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, तालाब में तैरते रहते थे, इसीलिए स्वस्थ रहते थे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। और आज देखना, हमारी सांसें इतनी तेज है ही नहीं कि हम तालाब में एक छोर से दूसरे छोर तैर के जा सके। मुश्किल से कोस भर चले होंगे और हमारे फेफड़े देख उछलने लगे। दामू, तुझसे एक बात कहनी थी दोस्त। तुझे पता है, जब कल्याणी तेरे घर से वापस आ गई तो मुझे लगा कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तू भूल जाएगा मुझे। रामू, तेरी दोस्ती को भूलना मेरे बस की बात नहीं है। जब कल्याणी मेरा घर छोड़कर तेरे घर चली गई, उसके बाद भी मेरा मन करता था कि मैं तुझसे आकर मिलूं, तेरे घर आऊं, तेरे साथ चाय पीऊं। लेकिन मेरे अहंकार ने मेरे पैरों को जकड़ लिया था। तेरा यही अहंकार हमारी दोस्ती पर भारी पड़ गया दोस्त। रामू, एक उम्र के बाद जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, घर में नए सदस्य आ जाते हैं, तो सबको संभालना, सबकी सहमति करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक को ये चीज अच्छी लगती है, दूसरे को वो चीज। करें तो क्या करें। तेरी बेटी जब मेरे घर में बहू बनकर आई थी ना, तो हमने उसे बेटी समझा था, लेकिन उसने कभी भी उस बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया। घर के नियम कायदे परंपराओं को नहीं अपनाया उसने, और मुझे वो फैसला लेना पड़ा जो मेरे लिए भी बहुत कठिन था। रामू, घर के सदस्य घर परिवार को बनाते हैं, और घर परिवार में कुछ नियम और कायदे होते हैं। घर का परिवार, घर के सदस्य उन नियमों कायदों का पालन करें तो घर बहुत अच्छे से चलता है। रामू, अब मेरी बेटी तेरे घर के नियम और कायदे के तहत रहने आ रही है, अब वही करेगी जो उस घर का मुखिया कहेगा। तेरे घर से कल्याणी के वापस आने के बाद मैंने और पल्लवी ने जो दिन काटे हैं बहुत ही कठिन थे दामू। सूरज की रोशनी तो पड़ती थी घर में, लेकिन घर हमेशा अंधेरा जैसा लगता था। तो मेरा दोस्त है दामू, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरी खुशी के लिए तो अपने घर परिवार की खुशी के खिलाफ जाए। अब मेरी कल्याणी तेरे घर परिवार की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेगी। दामू, कल्याणी अभी भी बच्ची है, ना समझ है, लेकिन तू मेरा दोस्त है, तू समझदार है। अगर कभी भी उससे आगे कोई भी गलती हो जाए तो अपनी समझदारी दिखाना, उसे मना लेना, उसे ये बताना उससे कहाँ गलती हो रही है, और अपनी बेटी की तरह उसे समझा बुझा कर उसे माफ कर देना मेरे दोस्त। मुझे लग रहा था तुम मुझसे नाराज होगी। ऐसा क्यों सोचा तुमने? और मैं क्यों तुमसे बात नहीं करूंगी? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मैं खुद को गुनहगार मानता हूँ। अनजाने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, और तुम्हारा साथ नहीं देकर मैंने गलत किया। देवेश, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे मेरे बीच नोकझोंक हो सकती है, लेकिन हमें जिंदगी भर साथ रहना है, और इस नोकझोंक को कलेजे का दर्द तो नहीं बना सकते ना।
मीठा मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।